हेलो गाइस, मेरा नाम है संजय एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ नमोकार गेमिंग वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेविल मे क्राई 1 की स्टोरी को, जो कि 23 अगस्त 2001 में PS2 पर रिलीज हुई थी, जिसे डेवलप और पब्लिश किया था कैपकॉम कंपनी ने। ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगेन। गेम स्टार्ट होने से पहले हमें बताया गया है कि 2 शताब्दी पहले ह्यूमन वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन अंडरवर्ल्ड का कोई व्यक्ति न्याय के लिए जाग गया और पूरे अंडरवर्ल्ड की सेना के खिलाफ अकेला ही खड़ा हो गया, जिसका नाम स्पार्टा था। बाद में उन्होंने चुपचाप ह्यूमन वर्ल्ड पर राज किया और स्पार्टा की मृत्यु तक शांति बनाए रखी। देन इसके बाद गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर अंडरवर्ल्ड से एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रिस रहता है। वो सीधे डैंटी की शॉप में जाती है और कहती है कि तुम वही आदमी हो जिसने 20 साल पहले अपनी माँ और अपने भाई को खो दिया था, और तुम उस महान डार्क नाइट स्पार्टा के बेटे हो मिस्टर डैंटी, और कहती है अब तो तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, और डैंटी पर हमला करती है। Time to go to work, guys. लेकिन डैंटी को कुछ भी नहीं होता है और वो उस हमले को बड़ी आसानी से मात दे देता है। और यहाँ पर स्पार्टा की सारी डेविल्स पावर डैंटी के पास ही रहती है, जिससे कि ट्रिस बताती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ इस अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। और बताती है कि 20 साल पहले अंडरवर्ल्ड के राजा मोंडस फिर से जिंदा हो गया है। पहले उसकी शक्तियों को स्पार्टा ने सील कर दिया था, लेकिन स्पार्टा के मरने के बाद मोंडस फिर से ह्यूमन वर्ल्ड पर राज करना चाहता है, और वो मेलेट आइलैंड पर गेट खोलने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद फिर दोनों मेलेट आइलैंड पर जाते हैं। ट्रिस डैंटी को बताती है कि वो महल इस चट्टान के ऊपर ही है, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डैंटी उस महल की तरफ बढ़ता है और रास्ते में उसे एक अलास्टर नाम की तलवार मिलती है। और ऊपर जाते वक्त वो कई क्रिएचर को हराते हुए जाता है, जिसमें से एक क्रिएचर जिसका नाम एंजेलो रहता है, वो डैंटी को मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से डैंटी के गले में लटके हुए आधे ताबीज को देखकर वहाँ से भाग जाता है, जिसमें डैंटी की माँ की तस्वीर होती है। उसके बाद डैंटी फिर आगे बढ़ता है, और इस बार एंजेलो डैंटी के जुड़वा भाई वर्जिल के रूप में आता है। फिर दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन यहाँ पर डैंटी वर्जिल को हरा देता है और उसका आधा ताबीज उठाता है, और ये दोनों ताबीज डैंटी की माँ ने दोनों भाइयों को उनके जन्मदिन पर दिए थे। और वहीं दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि असल में ट्रिस मोंटस के साथ मिली हुई है, जहाँ पर मोंटस ट्रिस से कहता है कि वर्जिल भी हार चुका है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर डैंटी दोनों ताबीज को मिला देता है, जिससे कि उसकी तलवार एक स्पाइडी तलवार में बदल जाती है, जो कि उसके पिता की तलवार थी। डैंटी आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसे ट्रिस मिलती है, जो कि उसे हेल्प के लिए बुलाती है। डैंटी उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है। डैंटी उससे लड़ता है, लेकिन पीछे से ट्रिस उसे धोखा देते हुए उस पर हमला करती है और कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुमने बड़ी आसानी से एक अजनबी पर भरोसा कर लिया। तुम्हारे जिंदा रहने की वजह से मोंडस अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद फिर डैंटी ट्रिस से बचते हुए उस क्रिएचर को मार देता है,
जिसकी वजह से वहां पर एक चट्टान सीधे ट्रिस के ऊपर गिरती है, लेकिन डांटे ट्रिस को बचा लेता है और वहां से जाने लगता है। तो ट्रिस कहती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, जिसे सुनकर डांटी बोलता है क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ से मिलती है इसलिए, और अब यहाँ से चली जाओ और अगली बार अगर हम मिले तो फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। ट्रिस डांटी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन डांटी उस पर गन तानते हुए कहता है कि मेरे पास मत आओ, तुम मेरी माँ की तरह दिखती हो लेकिन तुम उनके करीब नहीं हो, तुम्हारी कोई आत्मा नहीं है, तुम्हारा चेहरा उनकी तरह है लेकिन तुम कभी भी उनकी जैसी नहीं बन सकती। और डांटी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी मोंडस ट्रिस से कहता है कि तुम फेल हो गई हो और इसका अंजाम तुम जानती हो। उसके बाद फिर डांटी मोंटस के पास जाता है, जहाँ पर मोंटस बताता है कि मुझे फिर से एक और स्पार्टा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डांटी बोलता है कि हाँ और ये फिर से मैं पहले की तरह ही खत्म करूँगा। लेकिन मोंटस बताता है कि अब ये तुम्हारा टाइम नहीं रहा, क्योंकि उसने ट्रिस को किडनेप कर लिया है, और बताता है कि जरा इसके बारे में सोचो, जिससे डांटी फिर ट्रिस की तरफ देखता है। तभी मोंटस उस पर हमला कर देता है और कहता है कितनी दुखी की बात है, इंसान हमेशा इंसान ही रहेगा, बट अब और नहीं, उम्र के साथ साथ इस पार्टी का खून भी खराब हो चुका है, और हमला करता है। लेकिन इस बार ट्रिस डांटी को हटाकर वो हमला खुद पर ले लेती है और मारी जाती है। मोंटस फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार डांटी अपनी शक्तियों से उसका हमला फेल कर देता है, जिससे कि फिर मोंटस अपने असली रूप में आ जाता है। और कहता है कि वो आंखें ये स्पाइडर की आंखों जैसी ही है। डांटी कहता है कि मेरी ही माँ क्यों थी, तो मोंटस बताता है कि अगर तुम्हें एक माँ की ही ज़रूरत है तो मैं उसे अपने इच्छा अनुसार बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रिस को बनाया था। लेकिन डांटी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद दोनों फिर आपस में फाइट करते हैं, और यहाँ पर मोंटस को हरा डांटी वापस से ट्रिस के पास आ जाता है और कहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और अब तुमने भी यही किया। एंड उसे वो लॉकेट देते हुए कहता है कि ये पहले मेरी माँ का था लेकिन अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एंड अपने पिता की तलवार भी वहीं छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोंडस भी आ जाता है और बताता है कि मैंने फाइनली गेट ओपन कर लिया है। तभी वहाँ पर ट्रिस आती है, जो कि रियल में मरी नहीं होती है। वो डांटी को अपनी पावर देती है, जिससे कि डांटी मोंडस को फिर से ह्यूमन वर्ल्ड से बाहर फेंक देता है। लेकिन मोंडस जाते जाते बताता है कि मैं वापस फिर से आऊँगा इस दुनिया पर राज करने के लिए। देन उसके बाद फिर दोनों गले मिलते हैं और डांटी फिर से अपनी शॉप में वापस आ जाता है, और यहाँ पर वो अपनी शॉप का नाम बदलकर इस बार डेविल मे क्राय से डेविल नेवर क्राय रख लेता है। और यहाँ पर ट्रिस अब डांटी के साथ उसके काम में पार्टनर बन जाती है, और इनका काम रहता है लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेना उन्हें क्रिएचरों से बचाने के लिए। और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है डेविल मे क्राय 1 की स्टोरी। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके बाकी के पार्ट भी जल्दी ही आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, ताकि आप इसी तरह की आने वाली गेमिंग स्टोरी को मिस ना कर पाओ। सो चलिए मिलते हैं जल्दी डेविल मे क्राय 2 की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।